हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेवेंथ इंग्लिश हनी कॉम का सेकंड चैप्टर जो है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, इसका सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपको बहुत पहले जारी कर दिया गया था, सेकंड पार्ट आज आप देखेंगे। इसमें है मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। मृदु धीमे से खिड़की पर गई। क्रेप्ट अप बहुत धीमे धीमे रेंगते हुए जाना कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कहेंगे धीमे से खिड़की पर गई। लाली वाज सीटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे। लाली बैठी थी, वाज सीटिंग ए लिटिल थोड़ा सा दूर पर बैठी हुई थी, मतलब खिड़की से कोई दूरी पर थी। अवकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड बो स्ट्रिंग, और गलत ढंग से वो अपने वायलिन को और बो स्ट्रिंग को, या फिर सारंगी को, वायलिन सितार होगा, बो स्ट्रिंग होगा, सारंगी से बजाते हैं, को पकड़ी हुई थी। हर एल्बो जटिंग आउट, उसकी कुहनियाँ जटिंग आउट मतलब बाहर निकली हुई थी। एंड हर आईज ग्लेज्ड विथ कंसंट्रेशन, उसकी आंखें ध्यान से चमक रही थी। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके ठीक सामने। विथ मस्ट आप हिज बैक टू द विंडो, जो खिड़की से काफ़ी, जिनका पीठ क्या था खिड़की के काफ़ी करीब था। वाज द बॉनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, वह म्यूजिक मास्टर का या संगीत गुरु का जो हड्डियों वाला शरीर था, मतलब बहुत दुबला पतला शरीर था। ही हैड ए मस्टली बाल्ड हेड विथ ए फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, वह काफ़ी अधिक गंजे थे, मतलब बिना बालों वाले सिर के थे। ए फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर्स, और कुछ कह सकते झब्बे जो थे उनके, बिल्कुल तेल लगे हुए काले रंग के बालों के जो झुरमुट थे या झब्बे थे। फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, उनके कानों के आसपास गिर रहे थे, मतलब कि लटके हुए थे। एंड एन ओल्ड फैशन टब्ड, और एक पुराने प्लचनल वाला जो चोटी होती है उनकी थी। ए गोल्ड चैन ग्लिम्ड, एक सोने की चैन चमक रही थी, चमकती थी। अराउंड हिज लेदरी नेक, उनके मतलब चमड़े वाले, या जहाँ चमड़े वाला इसलिए कहा गया है कि काफ़ी उनका शरीर मतलब कमजोर हो चुका था, चमड़ा लटका हुआ था, इसलिए कह दिया लेदरी नेक, मतलब चमड़े वाले गर्दन पर चमक रही थी। एंड ए डायमंड रिंग ग्लाइटेड ऑन हिज हैंड, और एक हीरे की अंगूठी उनके हाथों में चमक रही थी। कब? एज इट, जबकि यह ग्लाइडेड अप एंड डाउन, जब यह ऊपर नीचे जाती थी। द स्ट्रीम ऑफ द वायलिन, जब वायलिन के तारों पर जब उनका हाथ जो ऊपर नीचे जाता था, तो हीरे की अंगूठी चमकती थी। ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बेनिथ हिज गोल्ड बॉर्डरेड वेस्टिएज, एक पैर का बड़ा सा भाग उनका बाहर निकला हुआ था नीचे से उनके सुनहरे बॉर्डर वाले धोती के किनारे से बाहर निकला हुआ था नीचे से। बेनिथ हिज गोल्ड बॉर्डरेड वेस्टिएज, मतलब उनके सुनहरे रंग के बॉर्डर वाले धोती के किनारे से, के नीचे से उनके पैर निकले हुए थे। एंड ही वाज बीटिंग टाइम, और वह समय से ताल मिला रहे थे। ऑन द फ्लोर, बीटिंग का मतलब हो जाएगा यहाँ ताल मिलाना। ऑन द फ्लोर विथ द स्क्रॉनी विक्टू, फर्श पर ताल मिला रहे थे अपने पतले अंगूठे से। ही प्लेड इन फ्यू नोट्स, उन्होंने कुछ लाइन, कुछ पंक्तियाँ बजाई, कुछ सुर बजाया। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम, लाली उलझ गई उनके पीछे, मतलब सही ढंग से बजा नहीं पाई। ऑन हर वायलिन, मतलब उलझ कर रह गई। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, जो उस वायलिन पर मतलब कि बजाई, बिल्कुल उलझ कर रह गई, वायलिन कैसा था? लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी, सितार मानो काफ़ी असहाय और अप्रसन्न लग रहा था, क्योंकि उसे लाली सही ढंग से बजा नहीं पा रही थी। लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड,
उसके हाथों में जो वायलिन जो थी वो काफी असहाय और अप्रसन्न लग रही थी। व्हाट ए डिफरेंस, कितना अंतर है। द म्यूजिक मास्टर्स नोट शी मेड टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इन टू इनविजिबल टेक ऑफ द मेलोडी। जो संगीत गुरु का जो लय है या संगीत है, सिम टू फ्लोट अप, बिल्कुल बहता हुआ मालूम होता है, होता था, सेटल परफेक्टली इन टू इनविजिबल टेक, बिल्कुल ही अदृश्य पथ पर पूर्णतया व्यवस्थित हो चुका था। ऑफ द मेलोडी मतलब कि सुर के अदृश्य पथ पर पूर्णतया व्यवस्थित हो गया था। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन, या एक रेलगाड़ी या फिर ट्रेन के पहिए के जैसे थी। फिटिंग स्मूथली इन टू द रेल्स एंड वेजिंग अलोंग, जो पूर्णतया अपने पटरियों पर आराम से सहज रूप से चल रही थी। एंड वेजिंग अलोंग, और ध्वनि करती हुई आगे बढ़ रही थी पटरियों पर। संगीत गुरु का संगीत ऐसा था। एज रवि सेड, जैसा कि रवि ने कहा था, मृदु स्टेरेड एट दैट ह्यूज बेरिंगेड हैंड, मृदु ने उस बड़े अंगूठी वाले हाथों को ध्यान से देखा। मूविंग इफोर्टलेसली अप द वायलिन स्ट्रिंग, जो कि बिना किसी प्रयास के वायलिन की तारों पर बहुत आसानी से चल रहे थे, घूम रहे थे। इफोर्टलेसली मतलब बिना किसी प्रयास के। मेकिंग लवली म्यूजिक, अच्छा संगीत उत्पन्न कर रहे थे। स्क्वैक देयर वाज लाली डिरेलिंग अगेन, दुर्भाग्य से क्या था, लाली ने फिर से गलती कर दी, मतलब फिर पटरी से उसकी संगीत उतर गई, जो सुर होता है सुर से फिर भटक गई वो। डिरेलिंग, रेलिंग मतलब होता है पटरी पर चलना, डिरेलिंग मतलब पटरी से उतर, लेकिन यहाँ पर संगीत का यानी लय से उतर गई कह सकते हैं, या फिर सुर से भटक गई। अमा केम ए वेल फ्रॉम द गेट, गेट से एक करा की पीड़ादायक आवाज आई, पीड़ा से भरी हुई आवाज आई। अम्मा ओ रवि सेंड द बेगर दैट बेगर अवे, रवि उस भिखारी को दूर कर दो। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बरामदा, उसकी माता ने पिछले बरामदे से कहा, चिल्लाया। क्राइड वेयर सी चैटिंग, जहाँ पर वह बात कर रही थी, चैटिंग विद टॉपी, जहाँ टॉपी से बात कर रही थी। ही हैज़ बिन कमिंग हीयर एवरी डे, वह यहाँ प्रत्येक दिन आता रहा है। फॉर द पास्ट वीक, पिछले सप्ताह से ही या बीते सप्ताह से ही प्रत्येक दिन यहाँ आता रहा है। एंड इट इज टाइम ही फाउंड अनदर हाउस, अब समय हो गया कि वह कोई दूसरा घर देखे, दूसरा घर प्राप्त करे, टू ब्रेक फ्रॉम जहाँ से वह भिक्षा प्राप्त कर सके। पाती एक्सप्लेन टू टॉपी, पाती ने टॉपी को बात समझाई। मृदु एंड मीना फॉलो आउट रवि आउट, मृदु ने और मीना ने रवि का पीछा किया। देन बेगर वाज ऑलरेडी इन द गार्डन, मृदु और मीना ने रवि का पीछा किया। द बेगर वाज ऑलरेडी इन द गार्डन, बेगर पहले से ही बगीचे में था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, वह बिल्कुल अपने को घर जैसा वहाँ पर व्यवस्थित कर रहा था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री, उसने अपने ऊपरी कपड़ों को नीम के पेड़ के नीचे फैला दिया था। एंड वाज लीनिंग अगेंस्ट इस ट्रंक, और इसके तने के सहारे झुका हुआ था, बैठा हुआ था झुक करके। अपरेंटली प्रिपेयर टू टेक ए लिटिल स्नूज, स्पष्ट रूप से क्लियरली अपरेंटली प्रिपेयर मतलब तैयारी किया था, टू टेक ए लिटिल स्नूज मतलब हल्की सी झपकी लेने के लिए या स्लीप करने के लिए, सोने के लिए वह तैयार था। व्हाइल ही वेटेड फॉर द आल्व्स टू अपीयर, जबकि वह भिक्षा को प्राप्त करने की प्रतीक्षा में था,
जब तक भिक्षा प्राप्त होता उसे, तब तक उस प्रतीक्षा में कुछ झपकी लेने के इरादे में था, कि तैयारी किया था वो। गो अवे, चले जाओ सर रवि स्टर्नली, रवि ने कठोरता से कहा। माई पाती सेज इट इज टाइम यू फाउंड एन अदर हाउस टू बेक फ्रॉम, मेरी पाती ने कहा है कि अब समय हो गया है कि तुम किसी दूसरे घर की तलाश करो, टू बेग फ्रॉम भिक्षा प्राप्त करने के लिए, जहाँ से तुम भिक्षा प्राप्त करो। द बेगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड, भिखारी ने अपनी आंखें बिल्कुल चौड़ी कर ली, एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रेन वन बाय वन, प्रत्येक बच्चे पर दृष्टि डाली, मतलब गहरी दृष्टि या घूरा प्रत्येक बच्चे को एक एक करके। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, इस घर की स्त्रियाँ, ही सेड, वह बोला। एट लास्ट इन ए वॉयस चोक्ड विथ फीलिंग, अंत में वह बोला, कैसे आवाज में बोला, इन वॉयस चोक्ड विथ फीलिंग, ऐसी आवाज में जो अवरुद्ध हो चुकी थी भावनाओं से भर करके, मतलब अवरुद्ध गले से, वह बोल पड़ा, इस घर की स्त्रियाँ आर वेरी काइंड सोल्स, बहुत दयाल हृदय वाली, या आत्मा, सोल्स मीन्स आत्मा ही होगा, लेकिन यहाँ पर हृदय भी कह सकते हैं, बहुत उदार हृदय वाली या दयाल हृदय वाली हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टूगेदर ऑन देयर जनरसिटी फॉर ए होल वीक, मैंने अपने शरीर और आत्मा को उनके उदारता पर एक सप्ताह तक पाला या रखे रहा। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मैं विश्वास नहीं कर सकता, बिलीव विश्वास करना होता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता दैट दे वुड टर्न मी अवे, कि वे मुझे भगा देंगी या फिर मुझे दूर कर देंगे यहाँ से। ही रेस्ट हिज वॉयस, अम्मा ओ अम्मा सैड हिज वेल माइट बी, उसकी आवाज़ भी लगभग निराशाजनक थी, मतलब निराशा से भरी हुई थी। बट इट सटनली वॉज नॉट फीबल, लेकिन उस निश्चय ही यह फीबल नहीं थी, मतलब कमज़ोर नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी आवाज़ में कमज़ोरी थी, आवाज़ काफ़ी अच्छी थी, ऊँची थी, यद्यपि वो पीड़ा से युक्त आवाज़ थी, मतलब कि वह तकलीफ उसके अंदर थी, उसको व्यक्त कर रहा था। इट बिगन इन ए डीप स्ट्रांग रंबल, अकस्मात क्या हुआ उसके स्टमक में, क्या हुआ था, डीप स्ट्रांग, काफ़ी गहरा, काफ़ी शक्तिशाली रंबल, गड़गड़ाहट उत्पन्न हुआ समवेयर इन हिज वेदर्ड वैली, उसके बिल्कुल वेदर्ड वैली में, या फिर अंदर धसे हुए या फिर झुके हुए पेट में एक गड़गड़ाहट उत्पन्न हुई। एंड केम बोमिंग, और बोमिंग जो था या डकार जो थी बाहर आ गई, आउट ऑफ हिज माउथ, उसके मुख से बाहर आ गई, विथ हिज फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेनेड ब्राउन विथ बीटल चीविंग, पान चबाने के कारण से भूरे रंग की हो चुके इसके कुछ बचे हुए दांतों से, जो वाला जो मुख था उससे बोमिंग या फिर डकार बाहर आ गई निकली। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, रवि उनसे कह दो कि किचन में कुछ भी नहीं बचा है। कॉल रुकमणी, रुकमणी बोली कि कह दो कि किचन में कुछ नहीं बचा है, एंड इज नॉट टू कम अगेन, और उसे फिर से नहीं आना है, पुनः आगे कभी नहीं आना है। टेल हिम दैट, उनसे कह दो, सी साउंडेड फेड अप, वह काफी थकी और नाराज लग रही थी, अप्रसन्न लग रही थी। तो फेड अप का सिंपल मीनिंग होगा टायर्ड एंड अनहैप्पी। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल, रवि को यह सारा दोहराना नहीं पड़ा, रिपीट नहीं करना पड़ा। ऑल टू द बिगर, सारी बातें बिगर को दोहरानी नहीं पड़ी। व्हाट हिज मदर सैड, जो कुछ उसकी माता ने कहा था, हैड बीन इजी टू इजी फॉर देम ऑल टू हियर, जो भी वहाँ पर थे सबके लिए सुनना आसान था, क्योंकि आवाज़ तेज आवाज़ में बोली थी वो। देयर अंडर द नीम ट्री, मतलब जो पेड़ के नीचे जो भी लोग थे, जो बच्चे थे और बेगर था, सबको माँ की आवाज़ सुनाई दे दी थी रुकमणी की। द बेगर सेट अप एंड साइड, भिखारी बैठ गया और गहरी सांस ली। आई विल गो, मैं चला जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा, ही सेड वियरली, वह थकान से बोला। लेट मी हैव ए रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, क्या मुझे इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेने दो।
सन इज सो हॉट, धूप बहुत तेज है। द टार हैज मेल्टेड ऑन द रोड, जो कोल तार होता है सड़क पर लगा हुआ बनता है जिससे, वो काफ़ी पिघल गया था। उसने कहा है द सन इज सो हॉट, सूरज इतना गर्म है मतलब धूप इतनी तेज है। द टार हैज मेल्टेड ऑन द रोड, सड़क पर जो टार है कोल तार है पिघल गया है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे पैरों में फफोले पड़ गए हैं, चाहे पहरे पैर झुलस गए हैं। माई फिट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे पैर पहले ही क्या हो चुके हैं, पैरों में पहले ही फफोले पड़ चुके हैं मतलब झुलस चुके हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फिट, उसने पैरों को फैलाया दिखाने के लिए लंबे बड़े गुलाबी कलर के छिले हुए जो फफोले थे उसके, ऑन द सोल्स मतलब तलवों पर, ऑफ हिज बेयर फिट उसके नग्न पैरों के तलवों पर जो छिले हुए फफोले थे गुलाबी रंग के, उनको दिखाने के लिए उसने अपने पैर को फैलाया। आई सपोज ही डज नाट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मैं मानता हूँ कि उसके पास चप्पल खरीदने के लिए धन नहीं है। मृदु विस्पर टू मीना, मृदु ने क्या किया, मीना रवि, मृदु विस्पर टू मीना रवि मतलब मृदु ने मीना रवि से धीरे से कहा या फुसफुसा करके कहा, हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समहर, क्या तुम लोग को घर के अंदर कहीं कोई पुराना जोड़ा मिला है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता सर, रवि, रवि बोला मुझे नहीं पता है। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, मेरी चप्पलें इतनी छोटी है कि उसके पैरों में फिट नहीं हो सकती है, मतलब उसके पैरों में फिट होने के लिए मेरी चप्पल क्या है, छोटी है। तो इसी लिखा था टू स्मॉल टू फिट, मतलब इतने छोटे हैं कि फिट नहीं हो सकते, सही नहीं हो सकते। और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, अन्यथा मैं क्या करता, उन्हें उसको दे देता। एंड हिज फिट वेयर लार्जर देन मृदुज एंड मीनाज, और उसके पैर क्या थे, मृदु और मीना से भी बड़े थे। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती, बेगर जो था अपने ऊपरी कपड़ों को हिला रहा था, चाहे मतलब कि झाड़ रहा था या धूल गर्दे जिसे हटाते हैं या टिकते हैं। एंड टाइटनिंग हिज धोती, और अपने धोती को टाइट कर रहा था, कस रहा था। ही रेस्ड हिज आइज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड, उसने अपनी आँख उठाई और बहुत ही भय के साथ उसने सड़क की ओर देखा। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून, जो क्या थी, दोपहर की धूप में चमक रही थी पूरी तरह से, मतलब सड़क काफ़ी तकलीफ दे थी उसके लिए, गर्म हो चुके थे। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, वह अपने पैरों पर कुछ चाहता था। मीना सेट हर बिग आइज फीलिंग, उसकी बड़ी आंखें जो थी भरी हुई थी, फीलिंग विद टीयर्स कह सकते हैं, आंसुओं से भरी हुई थी कह सकते हैं। इट इज नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है सर, सेट रवि, रवि बोला वैसे ही से प्रार्थना किया। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इस बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग इट इज नॉट फेयर, वो भी क्या था, एक तरह सबक रहा था, मतलब उसके भी मतलब तकलीफ हो रही थी, वो भी एक तरह से रो रहा था, वो भी बोल पड़ा अच्छी बात नहीं है। इज नॉट गोइंग टू हेल्प, इट इज नॉट फेयर, इज नॉट गोइंग टू हेल्प, इसका भला नहीं हम कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि उसकी सहायता हम नहीं कर पा रहे हैं। इन टू
मिनट्स ही विल बी फ्राइंग हिज फीट, 2 मिनट में ही वो अपने पैरों को झुलस लेगा या भुन लेगा, फ्राइंग कर लेगा, ऑन दैट रोड, उस सड़क पर अपने पैरों को भुन लेगा। व्हाट ही नीड्स इज ए पेयर ऑफ चप्पल, जो उसे जिस चीज़ की व्हाट ही नीड्स, जिस चीज़ को उसकी ज़रूरत है वह एक जोड़ी चप्पल है। सो हेयर डू वी गेट देम, इसलिए हम उसे कहाँ प्राप्त कर सकते हैं, करते हैं? कम लेट्स सर्च द हाउस, आओ घर के अंदर तलाश करते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, उसने मृदु और मीना को घर के अंदर धक्का दे दिया। जस्ट एज शी स्टेपेड इनटू द बरामदा, अभी वह बरामदे में पैर ही रखी थी, मृदु आई फेल ऑन द ऑड लुकिंग चप्पल्स, मृदु की आंखें बिल्कुल विभिन्न प्रकार भिन्न दिखने वाले चप्पलों पर पड़ी। शी हैड नोटिसेड, उसने ध्यान दिया, व्हेन शी अराइव्ड, जब वह पहुंची उसने ध्यान दिया। रवि, शी व्हिस्पर्ड टू हिम, रवि से बोली, हूज आर दोज, किसके वे सब हैं। रवि टर्नड एंड ग्लांसड एट द सैबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर, रवि मुड़ा और दृष्टि डाला एट द सैबी लुकिंग, जो काफ़ी गंदे दिखने वाले या फिर धूल भरे हुए दिखने वाले बट स्टर्डी ओल्ड चप्पल, लेकिन मजबूत पुराने चप्पलों पर, मतलब उसने अपनी नज़र डाली किस पर, स्टर्डी ओल्ड स्लीपर मतलब काफ़ी मजबूत पुराने चप्पलों पर उसने देख डाली, स्टडी में मजबूत होगा। ही बीमेड एंड नॉडेड, वह मुस्कराया और सहमत व्यक्त किया, या सिर हिलाया कह सकते हैं, या फिर सहमत व्यक्त किया। दीज आर जस्ट द राइट साइज, ये सब बिल्कुल सही माप के हैं। ही सैड पिकिंग देम अप, उनको उठाते हुए बोला। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम, मृदु और मीना उसका पीछा किए। नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, वे सब क्या थे, बहुत ही नर्वस होकर के घबराहट में वे बागीचे में वापस गए। हियर, यहाँ, सैड रवि टू द बेगर, रवि बेगर से बोला, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी के सामने चप्पलों को गिरा करके, ड्रॉपिंग करके बोला, वियर दीज एंड डोंट कम बैक, इन्हें पहन लीजिए या पहन लो और वापस नहीं आना, कभी वापस मत आना। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, भिखारी ने चप्पलों को घूरा या फिर ध्यान से देखा। हर्डली फ्लंग हिज टावल ओवर हिज शोल्डर, जल्दी से उसने अपने तौलिए को कंधे पर उछाला। पुश्ड हिज फीट इनटू देम, उसने अपने पैरों को उसमें दबाया या फिर मतलब जल्दी से पाना। एंड लेफ्ट मटरिंग ए ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रेन, और बड़बड़ाते हुए बच्चों को आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चला गया। इन ए मिनट ही हैड बैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, एक मिनट में ही वो गली के कोने से अदृश्य हो गया, चारों ओर अदृश्य हो गया था, मतलब गली के कोने तक पहुंचा और वहां से दिखना बंद हो गया, अदृश्य हो गया, बैनिश्ड कह सकते हैं कि लुप्त हो गया, अदृश्य हो गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, संगीत मास्टर घर के बाहर आया। एंड टुक एन अनअप्रिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम, उन तीनों पर बिना प्रशंसा वाली नज़रों से देखा। अनअप्रिशिएटिव कह सकते हैं प्रशंसा करना, अनअप्रिशिएटिव जो होता है प्रशंसा न करने वाला नज़र जो होती है, ताकि बिना प्रशंसा वाली दृष्टि से उन तीनों पर नज़र डाला म्यूजिक मास्टर ने, जो क्या कर रहे थे बच्चे, सीटिंग क्वाइटली अंडर ट्री, जो कि बहुत शांतिपूर्वक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, प्लेइंग मार्बल्स और कंचे खेल रहे थे, मतलब बच्चों पर बिना प्रसन्नता की दृष्टि डाली उन बच्चों पर कि मार्बल खेल रहे थे नीम के पेड़ के नीचे बैठकर।
देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स, तब उसने अपने चप्पलों की तलाश की। इन द बरामदा, बरामदे में, वेयर ही हैड पुट देम, जहाँ पर वह रख चुका था उनको। लाली, बोला उसने, ही कॉल्ड, उसने बुलाया, लाली आफ्टर ए फ्यू मिनट, कुछ क्षण बाद उसने लाली को बुलाया। शी हरीड अप टू हिम, वह जल्दी से उसके पास आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स, क्या तुमने मेरी चप्पलों को देखा है। माई डियर, मेरे प्रिय लॉली, क्या तुमने चप्पलों को देखा है। आई रिमेम्बर हैविंग केप्ट देम हियर, मुझे याद है यहाँ पर मैंने उनको छोड़ा था, रखा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लॉली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द बरांडा। रवि, मृदु और मीना बहुत शांतिपूर्वक देखे लाली और म्यूजिक मास्टर को चप्पल की तलाश करते हुए बरामदे के प्रत्येक कोने, एवरी कॉर्नर ऑफ द बरामदा, मतलब बरामदे के प्रत्येक कोने में तलाश करते हुए इन तीनों ने शांतिपूर्वक। ही स्कोरिड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग, वह यहाँ वहाँ गया, चारों तरफ गया। लुकिंग ओवर द रेलिंग, रेलिंग के ऊपर देखा। एंड क्राउचिंग नियर फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन देम, और गमले जो फूल के थे वहाँ झुक करके, उनके निकट झुक करके उनके बीच में देखा या देखने के लिए झुका। ब्रांड न्यू देवेयर, वे नए ब्रांड के थे। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड, मैं गया था पूरे मार्ग में, मतलब कि पैदल कैसे थे। वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय द, मैं माउंट रोड पर चल करके गया था उन्हें खरीदने के लिए। ही वेंट ऑन सेइंग, वह कहता रहा। दे कॉस्ट ए होल मंथ फीस, उनकी कीमत जो थी एक पूरे महीने की फीस थी या शुल्क था उनकी कीमत। दे कॉस्ट ए होल मंथ फीस, डू यू नो, क्या तुम जानती हो कि उनकी कीमत कितनी है, एक पूरे महीने की फीस है या शुल्क है। सुन लाली वेंट इन टू टेल हर मदर, तुरंत लाली माँ से कहने के लिए गई। रुक्मणी अपीयर, रुक्मणी प्रकट हुई। लुकिंग हरासेड, मतलब बहुत थकी हुई मालूम पड़ रही थी। विथ पार्थी फॉलोविंग हर, पार्थी के साथ लौटी प्रकट हुई जो उसके पीछे पीछे आई थी। वेयर कुड दे बी, वे कहाँ हो सकते थे। इट इज रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक, या निश्चय ही अपसेट करने वाला या फिर असहज करने वाला बात है। टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, या सोच करके कि किसी ने उनको चुरा लिया है, या काफ़ी अपसेट करने वाला या फिर अस्थिर करने वाली बात थी। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर, इतने अधिक व्यापारी दरवाजे पर आते थे। वारिट पाती, पाती चिंतित। सिंपल, सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर, इतने अधिक व्यापारी दरवाजे पर आते हैं। वारिट पाती, पाती चिंतित थी। रुक्मिणी कॉट साइट ऑफ रवि, रुक्मिणी ने रवि की, मृदु और मीना सीटिंग अंडर द ट्री, जो मृदु मीना और रवि जो बैठे हुए थे उनकी तरफ देख डाली। हैव यू चिल्ड्रेन, क्या बच्चों। शी बिगेन एंड देन सीइंग दे वेयर, और वह प्रारंभ की लेकिन जब जान देख ली कि वे क्या थे। शी बिगेन एंड देन, और तब सीइंग दे वेयर क्यूरियसली क्वाइट, आश्चर्यजनक रूप से वे शांत पड़े हुए थे, इसलिए उसने क्या किया, अपनी आवाज़ को धीमा कर लिया। क्यूरियसली क्वाइट, जब बच्चों को आश्चर्यजनक उसे शांत बैठा देखी। वेंट ऑन मोर स्लोली, हुआ क्या हुआ, और धीरे से गई उनके पास। सी एनी वन लर्किंग अराउंड द बरांडा, या सीन देखी। एनी वन लर्किंग अराउंड द बरांडा, कोई
बरामदे में प्रतीक्षा कर रहा है। ए स्टार बी शेप्ड लाइन हैड फॉर्मेड बिटवीन हर ईयर आईब्रोज, उसके आईब्रोज भावों पर एक लाइन बन गई, लकीर बन गई वी शेप आकार की। अनदर स्टेट एक दूसरा सीधा टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली शार्प प्लेजेंट माउथ, एक दूसरा जो था बिल्कुल सीधा तनाव युक्त तना हुआ प्रकट हुआ लाइन इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली शार्प, जो सामान्यतया हमेशा कोमल जो उसका हंसमुख स्वभाव था मुख था उस पर प्रकट हुआ। रुक्मणी वाज एंग्री, रुक्मणी जो थी नाराज थी। थाट मृदु विथ ए सीवर, मृदु एक तरह से कांपते हुई डरते हुए उसने सोचा। शी वुड नॉट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द बेगर पुअर बेगर विथ सोर्स ऑन हिज फीट, उसने सोचा मृदु ने कि वह नाराज नहीं होती, इतना अधिक अपसेट नहीं होती इफ सी न्यू, यदि वह जान जाती उस बेचारे या गरीब भिखारी के पैरों के जो घाव हैं उसको जान जाती। सी ट्राई टू टेल हर सेल्फ, वह अपने आप से कहने का प्रयास की। टेकिंग ए डीप ब्रीथ, एक लंबी सांस लेकर सी क्राइड, रुकमणी देयर वॉज ए बेगर हियर पुअर थिंग ही हैज सच बॉयज ऑन हिज फीट। टेकिंग ए डीप गहरी सांस लेकर वह चिल्लाई, रुकमणी देयर वॉज ए बेगर हियर, यहाँ पर एक भिखारी था पुअर थिंग बेचारा, ही हैड सच बॉयज ऑन हिज फीट, वह लगभग अपने पैरों को उबाल चुका था मतलब कि जला चुका था। सो सैड रुक्मणी ग्रीमली, इस तो रुक्मणी ने कहा तो इससे क्या हुआ, मतलब एक तरह से नाराजगी के साथ रुक्मणी बोली। टर्निंग टू रवि, रवि की ओर मुड़ते हुए, यू गव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल टू द ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर, तो लोगों ने म्यूजिक मास्टर का चप्पल उस भिखारी को दे दिया हो टर्न्स अप हियर जो कि यहाँ से गया है। चिल्ड्रेन दीज डेज, इन दिनों के बच्चे मतलब कहकर के आवा सेंटेंस पूरा नहीं किए, ग्रोन एट पाती, पाती एक तरह से मतलब कि नाराजगी व्यक्त की गुर्राई। अम्मा डिड नॉट टेल यू टेल मी अबाउट कारा एंड हु गव अवे एवरी थिंग ही हैड, अम्मा क्या तुमने हमें नहीं बताया है कि कर ने अपना सब कुछ दान कर दिया था दे दिया था। इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स ही वॉज सो काइंड एंड जनरस, यहाँ तक कि उसने सोने के जो कुंडल उसके थे इयररिंग थे उनको भी दे दिया था, वह इतना दयालु था उदार था जनरस था। सिली मूर्ख, स्नेपे रुक्मिणी, रुक्मिणी ने डांट लगाई मूर्खों। कर्ण डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल थिंग, कर्ण ने दूसरे लोगों के सामान नहीं दिए थे। ही ओनली गव अवे हिज ओन, उसने केवल अपने सामान को अपनी चीज़ों को दिया था। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फिट, लेकिन रवि ने क्या कहा, रवि एक तरह से कहा था ब्रसली ऑन रवि कहता रहा कि मेरे चप्पल जो थे उसके पैरों में फिट नहीं हो रहे थे। एंड अम्मा इफ दे डिड, यदि वे फिट हो जाते वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, तो क्या तुम वास्तव में इस पर ध्यान नहीं देती। रवि सह रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ, नाराज होकर रुक्मणी ने कहा गो इनसाइड द दिस मिनट, इस समय यहाँ से चले जाओ अंदर चले जाओ, गो इनसाइड दिस मिनट, इसी समय तुरंत अंदर चले जाओ। सी हरिड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वर्न न्यू चप्पल्स, वह अंदर गई
और गोपू मामा का जो कि मुश्किल से पहना हुआ चप्पल था, मतलब बहुत कम पहना चप्पल था, नया चप्पल था, उसको लेके आए। दिस शुड फिट यू सर, श्रीमान यह आपको आ जाएगा, आपके पैरों में हो जाएगा। प्लीज़ पुट दी जान, कृपया इनको पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत तकलीफ़ है, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। माई सन हैज़ बिन वेरी नॉटी, मेरा बेटा जो है बहुत शरारती हो गया है। द म्यूजिक मास्टर्स आइज लिट अप, म्यूजिक मास्टर की आंखें चमक उठी। ही पुट देम ऑन, वह उनको पहन लिया। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, वह बहुत अधिक प्रसन्न होने न होने का, या फिर ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, बहुत अधिक प्रसन्न न होने का उसने प्रयास किया, मतलब उसे कोई प्रसन्नता नहीं थी, ऐसा बहाना बनाया उसने। वेल आई सपोज दिस विल हैव, अच्छा मैं मान लेता हूँ कि ये सब जो होंगे विल हैव टू डू। दी डे चिल्ड्रेन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, इन दिनों बच्चों में बड़ों के प्रति सम्मान नहीं है। व्हाट टू डू, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है, बच्चों में इसकी समझ नहीं है, उनके अंदर बड़ों के प्रति कोई सम्मान भाव नहीं है। ए हनुमान इनकारनेट, ओनली रामा कैन सेव सच ए नॉटी फेलो, ये हनुमान के अवतार हैं, मतलब एक तरह से कहना चाहता था कि ये बंदर हैं, केवल राम ही इनसे, हमें इन शरारती साथियों से, संगियों से राम ही हमें बचा सकते हैं। रुक्मणी ज आइज फ्लैशेड, रुक्मणी की आंखें चमकी। सी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी, वह पसंद नहीं करती थी कि रवि को मंकी कहा जाना उसे पसंद नहीं था, बंदर कहा जाना पसंद नहीं था। इवन ए होली मंकी, भले ही वह कोई पवित्र बंदर हो या हनुमान ही कहा जाए, रुक्मणी को यह पसंद नहीं था। सी स्टूड स्टिफ, वह कठोरता से खड़ी रही, एंड या दृढ़ता से खड़ी रही। एंड स्टेट बाई द फ्रंट डोर, मतलब कि दृढ़ता और तन करके सीधे सामने के दरवाजे पर खड़ी थी। इट वॉज क्लियर, यह स्पष्ट हो चुका था। सी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, वह चाहती थी कि वह जल्दी से चले जाएं। व्हेन ही हैड क्लेटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल, जब वह अपने चप्पलों की ध्वनि करते हुए चले गए। सी सेड, वह बोली, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन, मृदु अंदर आओ और कुछ टिफिन कर लो, मतलब थोड़ा सा भोजन कर लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रेन थिंक सो सच थिंग्स, ईमानदारी से बताना तुम बच्चे, तुम लोग ये सब कैसे कर लेते हो, मतलब ये सब चीज़ें जो है अकस्मात जो नहीं सोची जानी चाहिए। हाउ डू यू चिल्ड्रेन थिंक ऑफ सच थिंग, ऐसी बातों को तुम लोग कैसे मन में बैठा लेते हो, कैसे सोच लेते हो, ईमानदारी से बताओ। थैंक गॉड योर गोपू मामा डज नॉट वियर ही चप्पल्स टू वर्क, भगवान को धन्यवाद कि गोपू मामा कार्य करते समय चप्पल नहीं पहनते हैं। एज सी वॉक्ड टुवार्ड द किचन, जब वह किचन की तरफ जा रही थी, जाती है गई, विथ मृदु एंड मीना, मृदु और मीना के साथ जब किचन की ओर गई, तो उसने कहा कि गोपू मामा, मतलब मान भगवान को धन्यवाद कि गोपू मामा चप्पल नहीं पहनते हैं जब कार्य करते हैं। उस समय सी सडनली बिगन टू लाफ, अकस्मात वो हंसने लगी। बट ही इज ऑलवेज इन सच ए हरी, वह हमेशा इतनी जल्दीबाजी में होते हैं। टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स, अपने जूतों और मोजों को फेंकने में या उतार कर फेंकने में। एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम, और अपने चप्पल में हो जाते हैं जैसे ही वह घर पर आते हैं, मतलब कहा कि जो ही गोपू मामा घर पर आते हैं तत्काल अपने जूते और मोजे उतार देते हैं और चप्पल पहन लेते हैं। व्हाट इज योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग, तुम्हारे मामा इस शाम क्या कहने जा रहे हैं। व्हेन आई टेल हिम, जब मैं उनसे बताऊंगी। आई गव हिज चप्पल्स टू म्यूजिक मास्टर,
कि मैंने उनके चप्पलों को संगीत मास्टर को दे दिया। तो यह रहा पार्ट गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। इसने बच्चों ने अपने गोपू मामा के चप्पल को दे दिया था म्यूजिक मास्टर को, और इस तरह से उन्होंने एक उदारता का दयालुता का कार्य किया था। लेकिन बच्चों को ये नहीं समझ में आया कि यह दूसरे का सामान है, अपना सामान देना चाहिए किसी को। इसी कारण से पाठ करना पड़ा है गिफ्ट ऑफ चप्पल्स।